राज कुंद्रा, जिनके ऊपर लिटरली मुसीबतों का पहाड़ टूट गया जिस वक्त उनका नाम पोर्नोग्राफी केस में आया, अडल्ट फिल्में बनाने के केस में आया, अडल्ट कंटेंट बनाने के केस में आया, लेकिन उसके बाद से राज कुंद्रा को जब जेल हुई, फिर चाहे उनकी बेल हुई हो, किसी भी दौरान उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से रिफ्रेन किया। लेकिन अब फाइनली जब वो बेल पर रिहा हो चुके हैं और एक वारंट उनके नाम पर इशू करवाया गया है, जहां पर कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते तक घर पर आराम से रह सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट उन्हें किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकती। अब आपको बता दूं कि इन सारी चीजों के बाद राज ने हाल ही में पिंकुला से बातचीत की और पिंकुला से बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को नॉन गिल्टी कह दिया है। जी हाँ, बात करते हुए राज कुंद्रा कहते हैं, आफ्टर मच कंटेम्पलेशन कंसिडरिंग देयर आर मेनी मिसलीडिंग एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आर्टिकल्स फ्लोटिंग अराउंड एंड माई साइलेंस हैज बीन मिसकंस्ट्रूड फॉर माई वीकनेस, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाई स्टेटिंग दैट आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्वड इन द production and distribution of pornography ever in my life. This whole episode has been nothing but a witch hunt. The matter is sub judice, so I cannot elucidate, but I am ready to face trial and have full faith in the judiciary, where the truth will prevail. Iske aage wo kehte hain, however, unfortunately, I have already been pronounced guilty by the media and my family, and I have been subjected to a lot of pain continuously, violating my human and constitutional rights at different levels. The trolling, negativity and toxic public perception has been debilitating. साफ साफ राज ने कह दिया है कि ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक विच हंट का हिस्सा थी। ये कुछ औरतों ने मिलकर मुझे इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। मेरा अडल्ट कंटेंट आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं कुछ हॉट साइट्स थी, लेकिन वो हॉट साइट्स पोर्नोग्राफी साइट्स कतई नहीं थी, ये राज का कहना है। और मीडिया ट्रायल्स की वजह से उनकी ऑलरेडी काफी बेइज्जती हो चुकी है। हालांकि वो अभी तक नॉन गिल्टी हैं, कोर्ट ने उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई है क्योंकि प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया ऑलरेडी सजा सुना चुकी है। इसके आगे राज ने रिकॉर्ड स्ट्रेट सेट करते हुए कह दिया है, आई डू नॉट हाइड माई फेस इन शेम, यानी कि मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये बात उन्होंने साफ कह दी है। आपका इस बारे में क्या है कहना, आप हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में।